जो कहीं नहीं मिले वो मिलता है इन जगहों पर। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको खूबसूरत पहाड़, नदियां और झरने देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको एक सुई से लेकर गाड़ी तक हर चीज मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर चोर बाजारों की। इन चोर बाजारों में आपको हर एक चीज मिल जाएगी। चोर बाजारों में हर तरह का चोरी का सामान मिलता है, जैसे फोन, जूते, घड़ियां इत्यादि। आइए जाने इन चोर बाजार की खासियत के बारे में। तो उनमें से पहला है मुंबई चोर बाजार। मुंबई का चोर बाजार लगभग 150 साल पुराना है। ये बाजार मुंबई में मटन स्ट्रीट मोहम्मद अली रोड के पास है। मुंबई का चोर बाजार पहले शोर बाजार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है, जिस कारण दुकानदार तेज आवाज निकालकर सामान बेचते हैं। चोर बाजार नाम पड़ने के पीछे भी एक कारण है। अंग्रेजों का शोर बाजार का गलत उच्चारण करने से इस जगह का नाम चोर बाजार पड़ा था। चोर बाजार में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, चुराई हुई घड़ियां, सेकेंड हैंड कपड़े, डुप्लीकेट वस्तुएं इत्यादि सामान मिलता है। चोर बाजार रोज सुबह 11 बजे से शाम के 7:30 बजे तक खुला रहता है। अगला है दिल्ली का चोर बाजार। दिल्ली का चोर बाजार भारत का सबसे पुराना बाजार है। ये मार्केट सिर्फ रविवार के दिन ही खुलती है। दिल्ली का चोर बाजार पहले लाल किले के पीछे लगता था, लेकिन अब ये मार्केट जामा मस्जिद के पास लगती है। दिल्ली का चोर बाजार का दूसरा नाम कवाड़ी बाजार है। इस चोर बाजार में आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलेंगे। यहाँ खरीदारी करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सामान खरीदते समय सामान की जांच जरूर करें, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं। अगला है सोतीगंज मरेठ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट बहुत ही लोकप्रिय है। सोतीगंज मार्केट को चोरी की गई घड़ियां और उसके पार्ट्स का मुख्य केंद्र माना जाता है। सोतीगंज मार्केट में आपको साइकिल से लेकर प्लेन तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मिल जाएंगे। मेरठ के सोतीगंज मार्केट रोज सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलती है। अगला है चिकपेट बेंगलुरु। चिकपेट मार्केट बेंगलुरु के मुख्य मार्केट में से एक है। ये मार्केट मुंबई और दिल्ली के चोर मार्केट से कम लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ भी चोरी का हर सामान मिलता है। बेंगलुरु की चिकपेट मार्केट सिर्फ रविवार के दिन ही खुलती है। चिकपेट मार्केट बीबीके अयंगर सड़क के पास लगती है। और आखिरी में है पुद्दुपेट चेन्नई। चेन्नई का ऑटो नगर पुरानी और चोरी की गई कारों का बदलने का काम करते हैं। पुद्दुपेट मार्केट में आपको हजारों की संख्या में दुकानें मिलेंगी। इनकी खासियत ये है कि ये लोग अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि आपकी गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट्स को पल भर में बदल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। चेन्नई का ये चोर बाजार गाड़ियों को बदलने का सबसे आसान तरीका है। डुप्लीकेट मार्केट रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहती है। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, आपको शोर वीडियो पसंद आई होगी, तो यार हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमारी वीडियो शेयर करो।